देखिए ये एक बहुत भयावह स्थिति है और ये अब से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। आपको ध्यान होगा जब सपा के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, उस वक्त खबर आई थी कि उस दंगे को जो है इंस्टिगेट करने के लिए बांग्लादेश से जो है कुछ लोग बुलाए गए थे जो गिरफ्तार भी हुए थे और उस वक्त के एक बहुत प्रभावशाली मंत्री के इंटरफेरेंस में वो लोग छोड़ दिए गए थे। तो ये जो है एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस देश के ऊपर ये जो गजवाए हिंद का सपना देखने वाले लोग कहीं ना कहीं कुछ सालों से हर मैकेनिज्म के अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि किस प्रकार से जो है कुछ अरबी मुल्कों से एक बड़ा फंड आता है और उसके बाद यहाँ पर जो है उनको एक तरफ तो यहाँ सरकार कर रही है कि उनको जो है एक संप्रदाय विशेष के लोगों को विशेष वजीफे दिए जा रहे हैं, विशेष उन लोगों के यूपीएससी से लेकर आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए वो किया जा रहा है। पर इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं वो हर एंगल में हो रही हैं, हर सेक्टर में हो रही हैं। तो ये जो आज एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को मिली है कि किस प्रकार से, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बता रहा हूँ, आप अगर इधर हरियाणा में मेवात साइड चले जाइए, नू साइड चले जाइए और ये जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं आपका कोसी कला मथुरा की तरफ वाले बॉर्डर लगते हैं, अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भारत नहीं किसी अन्य मुल्क में आ गए हैं। आप इनफैक्ट अगर दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में अगर चले जाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी और मुल्क में आ गए हैं, क्योंकि वहां पर एक तरीके से बड़े सिस्टमाइज तरीके से पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया जा रहा है। और आपने सुना होगा जिस वक्त ये सीएएनआरसी का जब आंदोलन चल रहा था तो इस समाज की एक बहुत बड़ी पत्रकार कहलाती हैं आरफा खानम शेरवानी, उनका वो भाषण जो है बड़ा ट्विटर के ऊपर वायरल हुआ जिसमें वो अपनी रणनीति बता रही हैं कि अगर हम 5-10% होंगे तो हमें समाज के साथ घुल मिलकर रहना है, फिर 10-15% हो जाएंगे तो हमें जो है थोड़ा सा प्रोवोकेटिव होना है, और जब हम 20-25% से ऊपर हो जाएंगे तो हमें अपना जो है वर्चस्व कायम करना है। तो यही इसी रणनीति के ऊपर काम हो रहा है और इन लोगों को जो है ज़कात फाउंडेशन और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उनके माध्यम से मोटा पैसा आता है। आपने देखा होगा तबलीगी जमात का बड़ा पिछले साल हो हल्ला चला और इनके कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं नेपाल के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा है और जो ये लोगों की दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये देखिए गरीब मूक बधिर और ऐसे लोग जो महिलाएं विधवा हैं, ऐसे लोगों को ये लोग बड़ा इजीली टारगेट करते हैं। आपने और हमने अभी पीछे कुछ दिनों पहले लव जिहाद के बारे में सुना और एक ये जिहाद हर समाज के हर सेक्टर में पेनिट्रेट किया जा रहा है। देखिए बॉलीवुड के माध्यम से सांस्कृतिक जिहाद चलाया जा रहा है, लव जिहाद अलग चल रहा है, जहां पर जो है जमीनें कब्जा की जा रही है, सरकार की जमीनें कब्जा की जा रही है वो एक अलग लेवल का जिहाद है, आपको जो है मैनिपुलेटेड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो एक अलग लेवल का जिहाद है। सो इफ यू गेट इनटू द डीप ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आपको मिलेगा कि जिहाद हर एंगल पर है और करने वाले लोग कौन हैं। इन लोगों को बाहर से बहुत अच्छी फंडिंग हो रही है और आवश्यकता है जो तमाम देश की एजेंसीज हैं वो इनको जो है एक माइक्रो लेवल पर जाकर जो है ट्रेस करने की कोशिश करें। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है जो यूपी एटीएस को मिली है और यदि तमाम राज्य सरकार की इंटेलिजेंस और केंद्र की इंटेलिजेंस मिलकर काम करेंगी तो आने वाले दिनों में और भी विस्फोटक जो है खुलासे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस को नहीं पता था, दिल्ली सरकार सो रही है, इस तरीके के काम चल रहे हैं नीचे नीचे। देखिए दिल्ली की सरकार तो सरकारी खजाने से रोहिंग्याओं को पाल पोस रही है। अभी आपने देखा अमानतुल्ला खान उस बस्ती पे पहुंच गया, उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की वो जमीन जिस पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा था, रोहिंग्याई रिश्तेदारों ने, जब उन लोगों के वहां कुछ लोगों के घर जल गए तो वहां पर देश के टैक्स दिल्ली वालों के टैक्स पेयर के पैसों से वहां पे जो है खुला उन लोगों को बसाने के लिए जो है पैसा बांटा जा रहा है। देखिए इन लोगों की नियत पर शक क्यों ना किया जाए, जब पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू इस दिल्ली के अंदर पीने के पानी से लेकर जो है बेसिक नेसेसिटीज के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इनके रिश्ते
हिस्सेदारों को जो है ये पूरा का पूरा केजरीवाल का मंत्रिमंडल जाकर वहां पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और खजाने ऐसे खोल देता है जैसे बाप का माल हो। तो इनकी नियत पर शक करना जायज है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू जो है अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। आपको नहीं लगता ये लोग अब फिर वही एक बहाना लाएंगे कि हम तो लोग समाज की मदद कर रहे हैं, शादियां करा रहे हैं मूक बधिरों की, तो उसमें धर्म परिवर्तन भी कर लिया तो क्या? नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, आप समाज सेवा कीजिए पर आप समाज सेवा आप किस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं? धर्म क्या है? धर्म धारण करने की वस्तु है, वो आपका एक कल्चर है जिसको आप जो है लेगेसी दर लेगेसी आगे बढ़ाते हैं। आज आप देखेंगे देश के अंदर तमाम जो है मिशनरीज देश के अंदर काम कर रही हैं, देश की सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, तमाम देश के INGOs को जो है फर्जी INGOs को बंद करने का काम किया। तो जो इन लोगों को फंडिंग आती थी वो जो है उन लोगों की कमर टूट गई, तो उन लोगों ने बड़े तरीके से काम करना शुरू किया और जो है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और इन लोगों को फलाने फुलाने वाली कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की आज गठबंधन की सरकार है और वो लोग खुले में कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो आज भारत की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो है विभिन्न मोर्चों पर लड़ रही है, एक तरफ कोरोना से लड़ रही है, एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रही है, एक तरफ चीन से लड़ रही है और एक तरफ इस देश के अंदर बैठे हुए इन गद्दारों से लड़ रही है जो उन तीन दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। देखिए आप बाहर वाले से लड़ सकते हैं, बाहर वाले से लड़ना उतना मुश्किल नहीं होता जितना आपके घर के अंदर बैठे हुए घर के भेदियों से लड़ना। तो ये लोग घर के अंदर जो है घुसपैठियों को बुला रहे हैं, घुसपैठियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनको तमाम सुख सुविधाएं दे रहे हैं और उन लोगों को आगे करके देश के अंदर अराजकता का माहौल बनाते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हर साल 6 महीने में आजकल दंगा हो रहा है और दंगा करवाने के पीछे कौन होता है? आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता निकलता है और उसके बाद उसमें समर्थन किसका होता है? शाहीन बाग होता है तो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री खुला समर्थन करते हैं और उसके बाद जो है किसानों का आंदोलन होता है, खालिस्तानियों का एजेंडा चलता है तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल वहां पहुंची होती है। आप सोचिए कि ये लोग जो है सफ़ेद पोष जो है ये नक्सली हैं जो आपके जनता के मैंडेट को चुरा कर जनता की छाती पर बैठकर मूंग दलने का काम कर रहे हैं और अब देश की जनता को सचेत हो जाने की आवश्यकता है। योगी जी क्या एक्शन लेंगे जिन दो लोगों को पकड़ा है, इसके जरिए और बड़े लोगों तक हाथ जाएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक अभी एक बेसिक लीड मिली है और इसके मार्फत जो है जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उन तक पहुँचा जाएगा और ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ दो लोगों का या 10-20 लोगों का नेटवर्क है, ये पूरे देश में फैला हुआ एक ऐसी कैंसर नुमा बीमारी है जो कहीं ना कहीं देश के जो है फेडरल सिस्टम को खोखला कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कहीं ना कहीं कमजोर करने की एक साजिश है। और हाँ, इसकी जो है पूंछ पर जो है अब उत्तर प्रदेश सरकार की का पैर पड़ चुका है, अब बहुत बहुत ज्यादा दिन तक इन लोगों का एजेंडा जो है इस प्रकार से नहीं चल पाएगा।